यार ईद मिलन की पार्टी हो रही है बेकर एसोसिएशन की, बड़ी खुशी की बात है, क्या कहना चाहेंगे नासिर भाई के बारे में बात करें? सबसे पहले तो ये हमारी जो तालुका वसई बेकरी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हम अपने प्रेसिडेंट जनाब नासिर अंसारी साहब को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ दिली मुबारकबाद देते हैं और अल्लाह या ईश्वर से दुआ करते हैं कि वो हमेशा खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, अल्लाह उनको हर बरकत से नवाजे, ये हमारी उनके लिए शुभेच्छा है पूरी टीम की तरफ से। और ये पहली बार हुआ है जो हमारा ये बेकरी का समाज है, जब से हम जानते हैं एसोसिएशन तो काफ़ी दिनों से है, मगर ये पहली बार ये नासिर भाई की ही कृपा से है जो हमारे सदर हैं, जो उन्होंने ईद मिलन का प्रोग्राम रखा है। और बहुत अच्छी बात है कि इससे एक बेकरी वालों में उत्साह बढ़ेगा और हम लोग एकता की तरफ बढ़ेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे सर? कयूम भाई, जब से नासिर भाई हमारे प्रेसिडेंट ने जो हमारे लोग का वसई वेलफेयर एसोसिएशन का साथ दिया है, जब से वसई तालुके में बहुत खुशी का माहौल हो गया है और हम लोग बहुत खुश हैं ऐसा हमको प्रेसिडेंट मिले, इसके लिए हम लोग उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं पूरी टीम की तरफ से, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। भाई क्या कहना चाहोगे? हमारे नासिर भाई जब से प्रेजेंट बने हुए हैं एक बेकरी वालों में, नाला सुपारा बसई बिरार के बेकरी वालों में बहुत खुशी की लहर है और बहुत अच्छा लग रहा है कि कभी इतने बेकरी वाले एकजुट नहीं हुए। हम लोग नासिर भाई ने रास्ता दिखाया है तो हम लोग सब एक साथ में आए हुए हैं नाला सुपारा बसई बिरार, उनके स्वागत के लिए ईद मिलाद रखा गया है, हम उनके आभारी। बीच में मीटिंग हुआ था, बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हुए, उसके बारे में कितनी खुशी आपको, कुछ रेट को लेकर हुआ था कुछ? हाँ, हम बेकरी वाले बहुत काफ़ी परेशान थे, आज 10-15-20 साल से हम लोगों की बहुत हालत ख़राब हो चुकी थी और कोई रास्ता नहीं था। और बहुत दिन से हम एक चर्चा सुन रहे थे ना कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले, सरकार का जो जुमला था, हम लोग ये सोच रहे थे कि हमारे कब अच्छे दिन आएंगे, मगर हमें पता नहीं था कि जब हम अपना प्रेसिडेंट चुनेंगे नासिर भाई, उन्हीं के बाद कारण हमको अच्छे दिन मिलेंगे और अब ऐसा लग रहा कि हमारा अच्छा दिन आ गया है और अच्छे आएंगे। हमारे नासिर भाई ने काफ़ी मेहनत किया है, काफ़ी लगाव से काम किया है और हम लोग सारे बेकरी वाले इस बात से बहुत खुश हैं और इसी खुशी के कारण हम लोग यहाँ पे सब लोग इकट्ठी हुए हैं और नासिर भाई ने जो काम किया है, जो लहर दिखाई है खुशी की, वो बहुत मेहनत है उनकी और हम लोग को साथ में सहयोग है पूरी तरीके से, हमारी पूरी टीम का, बसई बिरार नाला सुपारा वालों का पूरा सहयोग है पूरी तरीके से, इसीलिए हम उनके स्वागत के लिए यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। देखिए जी, इतनी सब साथ में मिले, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, अच्छे टाइम पे अच्छी चीज़ के लिए बैठ जाए, अच्छे टास्क के लिए मिले हम लोग और उसमें सबको हर एक चीज़ यूनाइट हो रहे हैं सब लोग, इवन देन बेकरी वाले भी, इवन देन ट्रेडर्स भी, इवन देन मतलब हर एक चीज़ के लिए अपन एक दूसरे के साथ साथ में खड़े हुए हैं, इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती और जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हम आप अपने साथ में करेंगे उसमें सबका फ़ायदा है, एक का फ़ायदा नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये होती है जितनी अंडरस्टैंडिंग, जितनी अप्रोच और जितनी अच्छी चीज़ अपन में एक दूसरे के साथ करेंगे इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। थैंक यू। भाई अभी बोल दिया ना इन्होंने, हाँ यही बात बोलना है वापिस दामजी भाई। हाँ, मैं पहले धन्यवाद देगा तारिक भाई को और नासिर भाई को, आज तक ये इकट्ठे हम हुए ने 40 साल धंधा कर मेरे को हो गया है, आज तक हम इकट्ठे नहीं हो पाए, सबसे बड़ा तो इकट्ठे तो पहचान दो सही दूसरे को, तारिक को हम धन्यवाद देगा, तारिक को नासिर भाई को हम धन्यवाद देगा, कम से इकट्ठे तो कर लिए कम से कम आदमी लोग। सॉरी, ये बात मैं बोलना भूल गया था, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि कम से कम इन लोगों ने हमारे को साथ में इकट्ठा करके यूनाइट किया, खड़ा किया और हमारे को इनवाइट किया और हमारे को जो हौसला अफजाई करी, हम उनके लिए इनके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं और आगे भी इनके साथ हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, सॉर्ट आउट हो गई है, कितनी खुशी आप लोगों के अंदर, रेट को लेकर कुछ इशू चल रहा बीच में, 4-5 दिन पहले कुछ मीटिंग, बेकरी होके रेट और वेट के लिए। माशाल्लाह, जो हमारे नए प्रेसिडेंट बने हैं नासिर अंसारी साहब बॉम्बे बेकर्स एसोसिएशन के, उन्हें जिस हिसाब से इस चीज़ों को पॉजिटिवली हैंडल किया है, मतलब बेकरी वालों का भी फ़ायदा होगा और उसमें ट्रेडर्स का भी फ़ायदा होगा, और एक सबसे पहले तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया ताकि सारे बेकरी वाले एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए और एक दूसरे से वो बातचीत कर पाए, जो पहले मिसकम्युनिकेशन उन लोगों के बीच में हो रहा था,
तो उन्होंने सबसे पहले ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया ताकि सब लोग अपनी अपनी बातें और अपनी अपनी पॉइंट रख पाए। उसके बाद उन्होंने एक पॉजिटिव अप्रोच लिया रेट और वेट की तरफ, जो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा दिख रहा है और आगे भी इसका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। तो एक ये बहुत पॉजिटिव चीज़ हुई है इस बिज़नेस में। ये सबसे अच्छी चीज़ हो गई कि एक प्लेटफॉर्म मिल गया बेकरी वालों को, मैदे वालों को। तो सब ये ऐतिहासिक दिन कैप्चर हो रहा है ये स्टेज पे, क्योंकि ये लोगों को बस एक दूसरे के नाम पता थे। मतलब ऐसा कंपटीशन चलता था कि पहले खाली लोग बस बिजनेस 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 में लगे हुए थे। आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है जिसपे सब लोग एक दूसरे से बातचीत कर पा रहे हैं, सब एक दूसरे से अप्स एंड डाउन शेयर कर पा रहे हैं, उसी हिसाब से सब एक दूसरे का बिजनेस आगे कर पा रहे हैं। ये बेकरी वालों के लिए भी है और मैदे वालों के लिए भी, दोनों के लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ ये। फर्स्ट टाइम आज नासिर भाई का बर्थडे भी है। आप सभी लोगों को दुआ है उनके लिए कि वो आगे इसी तरह से अच्छी तरह से काम करते रहे और पॉजिटिवली सब चीज़ होते रहे, इस चीज़ को किसी की नज़र ना लगे। इसमें क्या बेकरी वाले को भी अच्छा एक मुनाफा वाला लाइन मिल गया कि भाव बंदी हो गई कि इतना वजन और इतना भाव, उससे बेकरी वाले भी दो पैसा कमाएगा। वो सामने जो ट्रेडिंग वाले के पैसे डूबते थे वो थोड़े कवर होते जाएंगे उसमें। हाँ, बेकरी इतिहास में पहली टाइम ऐसा। स्पेशली मैं महाराष्ट्र की बात नहीं करूँगा, मुंबई में जो चीज़ पॉसिबल नहीं था, जो बोलते ना इम्पॉसिबल को, नासिर भाई ने आई एम पॉसिबल करके दिखाया है। क्योंकि ये जितने भी लोग यहाँ पे है, मैं इतना जानता हूँ कि ये लोग सब रोटी देते हैं बम्बई को, मतलब मैदा जो है ये सब मैदा सप्लायर है आज की तारीख में, और पहले भी थे। जो बॉम्बे में जो पाव बनता है बेकरियों से, वो इन लोगों के थ्रू ही डिलीवर होता है सब बेकरियों में। तो बहुत ही अच्छी बात है कि सब साथ में जुड़े आए। मैं मुमरा रॉयल बेकरी से बबलू भाई। अब क्या कहना चाहेंगे, बड़ा दिन है काफी। भाई हमारा इतना खुशी का दिन है कि आज जो है हमारे प्रेसिडेंट का जन्मदिन भी है, और हमारे बेकरी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। जो हम लोग इतने दिन से बहुत काफ़ी परेशान थे रेट को लेकर के, वेट को लेकर के, हर चीज़ की जो है हमारी जो भी समस्या थी हमारे प्रेसिडेंट ने सुन कर के जो भी तकलीफ थी हमारी दूर हुई। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जितने लोग हैं मुमरा के, और मुमरा क्या पूरे बॉम्बे के सब बेकरी वाले सब आज खुशहाल हैं। ये नासिर अंसारी साहब की देन है। बंद होने के कगार पे ऐसा बंद तो समझ लो बंद होने कगार पे तो पहुंच ही गए थे हर कोई बेकरी वाला, चाहे वो मुमरा को चाहे बॉम्बे का हो, वो कहीं का भी हो, और लगभग सब लोग जो है कोई जितना हो सके सब बहुत काफ़ी घाटे पे थे। हर कोई बेकरी यही थी कि कौन बेकरी कब बंद हो जाए, उसको कुछ बोल नहीं सकते थे। आप क्या कहना चाहोगे नासिर भाई के बारे में? नासिर भाई ने इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और फर्स्ट टाइम मतलब इतना बड़ा काम हुआ, और इन्होंने बेकरी वालों को जोड़ा और मैदे वालों को भी साथ साथ जोड़ा। लेकिन बेकरी वालों को इतना तकलीफ था कि मतलब कोई मैदे का पेमेंट नहीं देता, चूँकि मैं मैदे वाला भी हूँ और मैदे का भी मैं मानता हूँ कि कितना पेमेंट मतलब बेकरी वालों से मिलता था। लेकिन आज ये मीटिंग करने पर नासिर भाई ने सबको जोड़ा, आज सभी में मतलब सबसे जो सब कामयाब है, आज इतने बेकरी वाले या मैदे वाले आज इकट्ठा हुए, ये नासिर भाई की देन है। और उनकी भी मतलब बहुत बहुत उनका डेट ऑफ बर्थ भी है, मतलब उनका जन्मदिन पे शुक्रिया सबका सब तरह से। और हम लोग मतलब बहुत अच्छे से आज मतलब इन्वाइट हुए हैं और आए हैं मतलब उनके लिए, बाकी तो सब ठीक है। काफ़ी यंग है और नासिर भाई भी है जो आपके जो लीडर हैं, सबसे पहले तो नासिर भाई का हम बहुत शुक्रगुजार है इस चीज़ के लिए कि उन्होंने एकता पे चीज़ों पे बहुत ख्याल किया, बेकरी वालों को, ट्रेडर्स वालों को, सबों को एक साथ जोड़ा, जो कि पॉसिबल नहीं था। इम्पॉसिबल चीज़ को उन्होंने पॉसिबल किया, तो इसलिए हम इस चीज़ के लिए उनका बहुत शुक्रगुजार है। और ऐसे ही उनको कोऑपरेट करें सब लोग, तो बहुत उम्मीद है कि आगे बहुत अच्छे हालात आएंगे। बस यही इतना ही कहना चाहेंगे और कुछ नहीं। हम नासिर भाई के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, हमारी बेकरी बंद होने से उन्होंने बचा लिया है, बस इतना ही कहना चाहेंगे। आज बर्थडे भी है, एक डबल खुशी है एक तरह से, आपकी गेट टुगेदर क्या पहली बार पार्टी हुई है, ईद का जो माना है बराबर, कि उसके माने इकट्ठे हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट टाइम है ऐसा फंक्शन, आज से पहले कभी बेकरी वालों का हुआ नहीं है, आज तक की डेट में फर्स्ट टाइम ये फंक्शन हुआ है।
हाँ बिल्कुल करेंगे। हैप्पी बर्थडे नासिर भाई को जन्मदिन मुबारक। थैंक यू, बहुत बहुत जन्मदिन मुबारक। उसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं कि जब एरिया में बेकरी खुली थी किसी की नहीं एसोसिएशन के रूल के बाद तो उस बेकरी को बंद कराया गया था। तो बंद कराने के लिए तो अब किसी ने बेकरी अगर चालू की है तो बंद कराना इतना आसान नहीं होता है। उसने बेचारे ने अपना अच्छा खासा अमाउंट लगाया था घर की जमीन बेच के और उस बेकरी को चालू की जो एसोसिएशन के खिलाफ थी। तो एसोसिएशन चाहती थी कि भाई वो बेकरी बंद हो जाए मगर बंद के अलावा उसका कोई नुकसान ना हो ये भी एसोसिएशन चाहती थी कि उसने खोल लिया वो तो उसकी गलती हो गई मगर उसे अभी बंद करा के उसे इसी तरह ऐसे ही भगा दे तो उसका बेचारे का नुकसान हो जाएगा। तो उस नुकसान को पूरा करने के लिए कुछ हमारे बेकरी वाले भाई थे जिन्होंने एसोसिएशन के ऊपर भरोसा करके अपना माल लगाकर अच्छा खासा अमाउंट कम से कम 4 से 5 लाख रुपया ये कोई छोटी रकम नहीं है उस एरिया के सभी बेकरी वालों ने मिलकर जमा किए और उस बेकरी को बंद कराते वक्त उस बेकरी वाले को वो पैसा लौटा दिया गया। यहाँ सामने स्टेट और अपने नाला सुपारा विदार वसई तालुका के बेकरी वाले आज जो नासिर भाई के जन्मदिन के मौके पर जो उनको भेंट दिए टोटल अमाउंट हो रहा है उनका 1,01,000 रुपए जोरदार ताली के साथ। ये इनकी मोहब्बत है, ये बता रहे हैं कि भाई जो है एसोसिएशन ने इनको काम दिया था ये काम सही तरीके से किए और आज इनकी बेकरी में फायदा होने लगा। आपकी बेकरी में 1,000 आड़े क्यों ना हो माल कम रहेगा मगर मुनाफा 110% रहेगा ये एसोसिएशन ने किया है। तो आप सबका फायदा इसी में, माल कम है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इससे पहले मैं जिस बेकरी और ग्रुप की बात कर रहा था उस ग्रुप का मैं अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। कांदीवली ईस्ट, मलाड ईस्ट, गोरेगांव ईस्ट, जिन्होंने बेकरी बंद कराने के लिए 5 लाख रुपए उस बेकरी वाले को दे के उसकी बेकरी बंद करवाई थी। तो जोरदार तालियों के साथ कांदीवली ईस्ट, मलाड ईस्ट और गोरेगांव ईस्ट वालों का स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ। तालियों की गूंज बहुत कम लग रही है, शायद आप लोग खुश नहीं है। भाई किसी भी एरिया में अगर बेकरी खुलेगी तो उसको बंद कराने के लिए आप ही लोगों का साथ होना जरूरी है वरना वो अब हर बेकरी से 200-300 आड़े ले लेगी और अपने बेकरी के में मुनाफा चालू करेगी।
तो किसी को इस तरीके का अगर प्रोग्राम होता है किसी के एरिए में तो उसको इस तरीके से हल किया जाएगा। तो सर आज का दिन कितना बड़ा दिन है सबके साथ में, पहली बार इतनी बड़ी पार्टी रखी गई है, तुम ये थैला लेके रखो, तुम्हारा काम इतने, क्या कहना चाहोगे आज इस गेट टुगेदर? ये हम लोग ने, पहले तो मैं आप मीडिया वालों को सबका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप लोग यहां पे हैं, और सारे मुंबई के जितने भी बेकर्स हैं, बेकरी वाले हैं, उनका शुक्रिया करना चाहता हूं कि जब भी हम बुलाते हैं, हमारी टीम बुलाती है, एसोसिएशन बुलाती है, तो ये भरी तादाद में हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो इतना मैं जितना शुक्रिया करूँ उतना कम है, मैं इनका एहसान मंद हूँ क्योंकि ये लोग हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। आज भी आप लोगों ने देखा कि एक आवाज़ पर ये लोग मेरे साथ खड़े होते हैं। तो ये मौका जो है, ये ईद मिलन का एक मौका है। हम लोगों ने सोचा था कि हम एक जोड़ रखें, मेल रखें, तो हम लोगों ने एक शहरी प्रोग्राम के बारे में सोचा था। हाँ, तो हम लोगों ने सोचा था कि एक शहरी प्रोग्राम या इफ्तारी प्रोग्राम के लिए हम लोगों ने सोचा था, लेकिन वो टाइम ऐसा था कि लोग परेशान रहते हैं, थोड़े तक सब भी वो रहते हैं, बिजी रहते हैं नमाज में, रोजे में, तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि ईद का प्रोग्राम रखा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सक्सेस आप देख ही रहे हैं। लोगों ने बहुत तारीफ की, कहा है कि बेकरी बिल्कुल बंद होने के कगार पे आ गई थी, पीछे ऐसा मुद्दा हो गया था कि किसको मना करे किसको हाँ करे, तो बहुत बड़े संकट से आपने उभारा है, क्या कहना चाहोगे? देखो, ये हमने नहीं उभारा, ये अल्लाह ताला की मदद आ रही है। हम जब भी काम करते हैं अल्लाह ताला की मदद आती है और मदद आते ही जा रही है। हम लोग जो भी कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा है, नहीं तो कोई किसी को 10 आदमियों को भी नहीं जोड़ सकता आज के दौर में। लेकिन फिर भी आज ये लोग हमारे साथ हैं, हम लोगों का तो सत्कार बहुत हो चुका। आज हमने चाहा था कि हम अपने बेकरी वालों का सत्कार करें, तो ये वही उसी को लेके हम लोगों ने ईद मिलन रखा था। तो फिर आप क्या कहना चाहोगे, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बॉम्बे बेकर एसोसिएशन के हमारा प्रेसिडेंट नासिर अंसारी, हमारा लीडर, जिस तरह से आज बेकरी वालों में और ट्रेडिंग वालों में जागरूकता पैदा किया है कि लोग बहुत ही कम समझदार थे, कम पढ़े लिखे थे, तो आज इन्होंने अपने बच्चों के लिए भी, अपने मुस्तकबिल के लिए भी, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने कारोबार को बेहतर से बेहतर करने के लिए ठान रखी है। और नासिर अंसारी जिस तरह से बीड़ा उठा लिया है, हमारा प्रेसिडेंट, हमारा लीडर जिस तरह से बीड़ा उठा लिया है, अब कोई भी बेकरी वाला किसी भी तरह से परेशान नहीं होगा, वो खुशहाली रहेगा। अब इनका ये कहना है, जब तक ये मेरी ज़िंदगी रहेगी, जब तक एक एक बच्चे उनके खुशहाल नहीं हो जाएंगे, हम दम नहीं लेंगे, चाहे वो ट्रेडिंग वाला हो चाहे वो बेकरी वाला है। भाई देख ही सकते हो आप, अगर यहाँ पे आए हो, मीडिया आई है, तो फिर वो कुछ मौके पे आई है, और मौका आपको आते ही पता चल गया होगा कि किस मौके पे आई है। आज जो बेकरी खत्म होने वाली थी वो सिर्फ हमारे सदस्य साहब की वजह से आज है, और इसी के लिए हम दुआ करते हैं कि हमेशा हमारे साथ रहे। थैंक यू सर। चलो ठीक है, मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हम लोग इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, बेकरी वाला हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे ट्रेडर्स भाई हमारा बहुत साथ दे रहे हैं। बस 5 से 10 मिनट और फिर खाने का प्रोग्राम चालू होने वाला है। आप सब लोग का जो इंतजार है खत्म होने वाला है। अरे कुछ नहीं भाई, चलो तो हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे बेकर्स और जो हमारे ट्रेडर्स का जो साथ हुआ है वो ऐसे बना रहे, और हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ा के लेके चले।